परीक्षा था, अगले साल उन्होंने रिफॉर्म नहीं किया था, लेकिन मुझे सच बोला बहुत अच्छा था। मेरे अभी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जो यहाँ से जाने के बाद कंप्लेंट तय करेंगे, और जैसा मैं मानता हूँ कि वहाँ पर इलेक्टिव पर्सन नहीं होंगे, सेलेक्टिव पर्सन होंगे। संगठन की काफ़ी स्टडी थी, काफ़ी साल से मैंने जो और संगठन है उसकी पढ़ती है कि संगठन आपस में टूटते क्यों हैं, और ये साहब ने जो बात कही वो सही थी कि संगठन टूटता है तो उसके जो बीज होते हैं उसके संगठन के अंदर होते हैं। राइट, 100% ये बात है। जो पदार्थ अगर भंगुर अगर टूट जाता है तो पदार्थ का अपना गुण होता है, उसकी वजह से टूटता है, और अगर हमारे संगठन अगर टूटे हैं तो उसके पीछे कारण है, उसकी जड़ें उसके अंदर है। क्योंकि मैं पिछले 2-3 मिनटों में नहीं था, हो सकता है कि उसके ऊपर आप लोगों ने चर्चा की होगी। अभी तो मुझे ये पता नहीं कि मैं इसके सब्जेक्ट पर बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे जो बात समझ में आ रही है वो बात ये हो रही है कि संगठन कैसा होना चाहिए, उसका मेमोरेंडम आपको बाद में प्रस्तुत करने वाले हैं, शायद उसके ऊपर काफ़ी डिबेट होगी, और जब डिबेट होगी तो मैं चाहूँगा मुझे भी थोड़ा बोलने का जरूर मौका मिले। मैंने अपनी आपने इनका पहले लगा दिया, हमारी भाषा में मैंने टीका लेने का आदमी मानी का आदमी जब भी कोई काम होता है कहते टीका लगा दो यार, तो मैंने इनका पहले लगा दिया है। मैं उसको कुछ बोलना चाहूँगा, दूसरी बात यह कहना चाह रहा था कि संगठन कैसा होता है, क्या प्रॉब्लम क्या होती है। संगठन में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, एक आपका उद्देश्य, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विचारधारा, और तीसरा एस्पेक्ट ये अगर आपके पास उद्देश्य अच्छा है, विचारधारा अच्छी है, व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकर उद्देश्य अच्छा है, विचारधारा ही अच्छी है, आगे अच्छा है, क्या आपके पास उद्देश्य ही बेकार है, विचारधारा बहुत अच्छी है, आदमी बहुत अच्छा है, तो भी प्रॉब्लम है। तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, उद्देश्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, विचारधारा भी बहुत महत्वपूर्ण है, और व्यक्ति वो साधन है, मैं व्यक्ति को साधन नहीं मानता, व्यक्ति साधन है, उद्देश्य साधन है। और चाहता हूँ जो थोड़ी राजनीति से संबंधित है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि संगठन में राजनीति करनी चाहिए। आप लोकतंत्र कैसे स्थापित करेंगे बिना राजनीति के? अगर पूरे भारत देश की सत्ता आप लोगों के हाथ में छोड़ दी जाए तो क्या आप सेलेक्ट करेंगे कौन प्रधानमंत्री होगा? क्या आपको ये अधिकार दे दिए जाएंगे? भारत देश के लोग आपको अधिकार दे देंगे क्या भला आदमी को प्रधानमंत्री बना के बैठा देंगे? आपको ऐसा होगा कि मैं किसी का समर्थन कर रहा हूँ? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र में पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट चीज है, संगठन में पॉलिटिक्स करना चाहिए, उसकी पॉलिटिक्स की अपने जो फंडे अपने फंडे होने चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। क्योंकि भविष्य में अगर आप सक्सेस होते हैं तो निश्चित है कि आपको भी अपना एक राजनीतिक दल बनाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हो तो एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है, आज से 20-25 साल वाले नहीं करेंगे। राजनीति का विरोध करना ये बहुत गलत बात है। मैं एक और चीज देखता हूँ जो खासकर समाज में देखता हूँ, ये देखता हूँ कि हम बड़े बड़े उद्देश्य डिसाइड कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं जो संगठन